So with all this practical news, what I'm trying to tell you, yeah, Mindtree, Ola, Kirloskar Industries, even Godrej, even um, Infosys, all these companies who are concerned about their employees, they always issue ESOP. Sir, ESOP is not a theoretical concept. ESOP is very much practical in nowadays, and many organizations are using ESOP as a tool to retain their employees. ठीक है ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो वॉट हैपन्स वेन एवर एम्प्लॉयर वेन एवर एम्प्लॉयर इशूज इट इज द फुल्प्लॉ स्टॉक ऑप्शन प्लान टू द एम्प्लॉय तो व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट सो व्हाई इज इट इशूड ये करता है अपने कंपनी का शेयर जिसका फेयर मार्केट वैल्यू मान लेते हैं अ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज 500 हंड्रेड

अपार्ट फ्रॉम दैट दे फील द ओनरशिप ना आप कभी भी कंपनीज के एम्प्लॉय को अगर आप ओनरशिप दे देते हो तो आपको नहीं लग रहा वो लोग थोड़ा ज्यादा अच्छे से काम करेंगे इफ यू एक्सप्लेन देन दैट यू आर द ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो इक्विटी शेयर उनको आपने दे दिया तो आपको नहीं लग रहा थोड़ा डेडिकेटेड काम करेंगे वो अभी प्लीज तलमी दे आर द ओनर कंपनी जितना ग्रो होगा उनके शेयर का वैल्यू उतना ग्रो होगा तो ऑल दो थिंग्स आर देयर और एक तो होता है कि इंप्लॉय को रिटेंशन करना है तो ये मेजर कॉन्सेप्ट है का तो आपको नहीं दिख रहा है यहां पे टैक्सेशन के परस्पेक्टिव से देखो एम्प्लॉय को आज नोशनल बेसिस पे रियल बेसिस पे नहीं नोशनल बेसिस पे फोर हंड्रेड रुपीज का इनकम हो रहा है कैन यू सी दैट टैक्सेबल वैल्यू वैल्यूट कैसे निकालोगे आप फेयर मार्केट वैल्यू माइनस इश्यू प्राइस सर अगर हम करेंगे तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑज फाइव हंड्रेड रुपीज माइनस इश्यू प्राइस हंड्रेड रुपीज फोर हंड्रेड रुपीज का इसको नोशनल गेन हुआ है दिस इज नॉट रियल दिस इज नोशनल सर इसको नोशनल गेन क्यों बोल रहे हो आप बिकॉज एक्चुअली बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं क्या जैसे सैलरी बैंक अकाउंट में आता है अलाउंस बैंक अकाउंट में आता है विदर दिस मनी इज क्रेडिटेड टू हिज बैंक अकाउंट जल्दी बोलो नहीं ये मनी अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है सर दिस मनी नॉट बीन क्रेडिटेड टू हिज बैंक अकाउंट अभी तो खाली शेयर बस उसको शेयर दिया गया हाँ उस शेयर का मार्केट वैल्यू फाइव हंड्रेड रुपीज है he, 100 रुपीज, तो सर ये फोर हंड्रेड रुपीज इंटू अगर उसको थाउजेंड शेयर दिए गए तो फोर हंड्रेड थाउजेंड तो उतना सर वैल्यू ऑफ शुड बी टैक्सेबल ही इन हीज हैंड तो एक तो बात ये हो गई आपको यहां पे ये याद रखनी है सर टैक्सेशन कौन से ईयर में होता है हमें गवर्नमेंट को टैक्स कब देना पड़ता है तो ईयर ऑफ अलॉटमेंट में यू एक्चुअली हैव टू पे टैक्स

से भी अलाउड नहीं करता हो कि आप अपने एम्प्लॉय के ऊपर प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकते इसलिए दिस इज ऑप्शन प्लान हम आपको ऑप्शन देंगे तो अगर समझो किसी एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया गया था टू परचेस सम एम्प्लॉय गॉट एन ऑप्शन टू परचेस टू थाउजेंड शेयर्स बट इन रियलिटी ही गॉट अलॉटमेंट ऑफ ओनली फाइव हंड्रेड शेयर उसको लगा कि मुझे फाइव हंड्रेड ही लेने चाहिए उससे ज्यादा लेके कुछ मतलब नहीं है तो टैक्सीबिलिटी में जब हम ये फोर हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई कितना करो जितना था था उसको कि जितना उसने actual में किया है। allowed, जितना उसने में किया किया ना सर, allowed कितना था, उसे क्या लेना देना कितना उसके लिए ऑप्शन अवेलेबल था वॉट एवरसाइज यहाँ पे वर्ड जो यूज होता है होता है जितना उसने एक्सरसाइज किया हुआ है उतने का ही टैक्सेबल होगा उसके हाथ में मैं ये सब आपको पढ़ा ही नहीं रहा था इतना छोटा अगर होता ना तो दो मिनट में मेरा खत्म हो जाता मैं ये बोलता नहीं कि अपने फ्रेंड्स को उठा लो अगर सोए रहेंगे तो देखो उनको ज्वाइन करने बोलो मेरे साथ पढ़ेंगे तो ही समझेंगे दिस इज अ बेसिक ऑफ एसॉफ इसके आगे अभी और बड़ी दुनिया है जो भी अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं सबसे पहले ये जो मैंने आपको एप्लीकेशन पढ़ा है मैंने सैलरी चैप्टर का पढ़ा है ठीक है ना इसका लिंकेज कैपिटल गेन में भी है सर कैपिटल गेन में क्यों है मुझे बताओ अगर इस एम्प्लॉय को एक्चुअल में ये फायदा इन कैश करना होगा तो इसको ये इस शेयर्स को क्या करना पड़ेगा इसको इस शेयर्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा सेल करना पड़ेगा मार्केट में ठीक है ना एंड वेन एवर ही ट्रांसफर वेन एवर ही ट्रांसफर इक्विटी शेयर ठीक है ना मैंने दो बात लिखी ट्रांसफर भी लिखा और इक्विटी शेयर भी लिखा जब भी कोई बंदा इक्विटी शेयर परचेस करके इक्विटी शेयर को सेल करता है तो आई होप यू अंडरस्टैंड कैपिटल गेन का कंपटीशन होगा ना यहाँ पे अरे अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हैं इक्विटी शेयर इज द प्रॉपर्टी फॉर यू यू परचेस इट एंड यू आर सेलिंग इट तो कैपिटल गेन आएगा ना uh, uh. तो कैपिटल गेन कैसे आता है मैं आपको पूछता हूँ आपके पापा ने लैंड का तो तुम लोग समझते हो तुम लोग कौन कौन से बिलोंग करते हो लैंड के डीलिंग बहुत होते होंगे वहां पे इस आपके डैडी ने पकड़ लो वहां पे एक लैंड लिया था टेन लाख रुपीज का आगे जाके उन्होंने वो लैंड लाख को सेल कर दिया ठीक है ना टेन लाख में ही परचेस थोड़ा वहां पे क्लीनिंग वगैरह करा दिया मार दिया फेंसिंग मार वो सब खर्चा करने के लिए उनको एडिशनल टू लाख का एक्सपेंसिस आया और बाद में उन्होंने इमिजिएटली एटीन लाख में बेच दिया तो कैपिटल गेन कैसे आएगा जल्दी बोलो कितना कितना कमाया पापा ने इस ट्रांजेक्शन में लाख का सेलिंग प्राइस है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो है वो एटीन लाख का है फिर ट्रांसफर एक्सपेंसिस नील है नेट लाख का है सर कितने में लिया था कितने में लिया था? में लिया लिया था था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लाख और सर फिर वहां पे फेंसिंग वगैरह लगाने का खर्चा आ गया हाँ सर उसको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बोलते हैं उसको दो लाख मान लेता हूं मैं तो आपका कैपिटल गेन कितना आ गया देखो ना अठारह में से सिक्स लाख उन्होंने कमा लिया इसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं ठीक है ना ऐसे कैपिटल गेन कंप्यूट होता है बहुत ही आसान है कैपिटल गेन कंप्यूट करना तो मुझे बताओ वैसे ही अगर मैं अभी इस एसओप को बोलूं एसओप में इस, मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय ने है उसने फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मतलब सेलिंग प्राइस ना फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मतलब सेलिंग प्राइस उसने मार्केट में ये शेयर सेल किया 750 को ठीक है ना मार्केट में सेल किया 750 को

प्लीज बोलो इतना अग्री कर yes. हाँ तो तो लायक हो जाएगा क्योंकि सेवन फिफ्टी माइनस हंड्रेड करोगे तो सिक्स फिफ्टी रुपीज का गेन आएगा और आप बोलोगे इसके ऊपर टैक्स भर दो अब आपको दिखना चाहिए डबल टैक्सेशन अगर ये ऐसा होता है तो यहाँ पे आपको दिखना चाहिए डबल टैक्सेशन मुझे बताओ कैश फ्लो समझता है तुमको कैश फो कैश फ्लो कैश फ्लो समझता है ना कैश फ्लो हाँ. मुझे बताओ कैश इनफ्लो कितना हुआ था कैश इनफ्लो उसको पूरे ट्रांजैक्शन में कैश इनफ्लो कितना हुआ सेवन फिफ्टी हाँ. और uh. कैश आउटफ्लो कितना हुआ था कैश आउटफ्लो ये शेष इसको कितने में मिला था हंड्रेड और तो कुछ खर्चा किया नहीं इसने ठीक है ना तो कैश आउटफ्लो हंड्रेड हुआ था तो नेट कैश कितना बचना चाहिए था इसके पास नेट कैश बचना चाहिए था सिक्स फिफ्टी इसका ये मतलब है आप कुछ भी कर लो सिक्स फिफ्टी के ऊपर तो टैक्स नहीं लगना चाहिए ना अरे कुछ भी कर लो सिक्स फिफ्टी आपके अकाउंट में बचा हुआ है सारा ट्रांजेक्शन करके ए सॉप लेके सॉप बेच के आपके अकाउंट में सिक्स फिफ्टी बचा हुआ है तो सिक्स फिफ्टी के ऊपर तो टैक्स नहीं लगना चाहिए ना मतलब इसके ऊपर मतलब इस वैल्यू के ऊपर मोर देन सिक्स फिफ्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए तो सर मैं आपको क्या पूछ रहा हूं देखो ना आपने सैलरी चैप्टर में कितने पे टैक्स भर दिया था जरा दोनों चैप्टर को अपने सामने रखो सैलरी चैप्टर में कितने पे टैक्स भर दिया आपने जब आपको ईसॉप मिला नेशनल बेसिस पे हमने गेन निकाला ना इसका ना। कि 500 का शेयर आपको 100 में मिला तो सर आपके हाथ में 400 का फायदा हो गया 400 पे तो आपने सैलरी चैप्टर में टैक्स भर दिया है तो 400 में सैलरी चैप्टर में टैक्स भर दिया और फिर से 650 आपने कैपिटल गेन में टैक्स भर दिया तो 400 प्लस 650 आपने टोटल टैक्स भरा थाउजेंड फिफ्टी पे इस कैलकुलेशन में थाउजेंड फिफ्टी टैक्सेबल हो रहा है बाबा तेरा सेलिंग प्राइस भी उतना नहीं है आ, तो आपको समझ रहा है इस सिक्स फिफ्टी में ये फोर हंड्रेड इंक्लूडेड है अरे अगर आप से कंपेयर कर रहे हो सेवन फिफ्टी को तो इस 400, 400 यहां पे है ना तो फोर हंड्रेड के ऊपर डबल टैक्स हो रहा है आर यू गेटिंग दिस थाउजेंड yes. फिफ्टी में 400 ऐसा है जो दो बार आया हुआ है ठीक है ना एक बार पहली बार सैलरी चैप्टर में आया और फिर कैपिटल गेन में भी आया तो आपको नहीं लग रहा दिस इज समथिंग रॉन्ग एंड शुड नॉट हैपन विद द एम्प्लॉय ये गलत है हाँ. तो इसको हाँ. गलत को सही कैसे किया जाएगा वो मुझे आपको पढ़ाना है सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे हम लेंगे सेवन ठीक है ना ये तो लेना ही है सर ट्रांसफर एक्सपेंसेस अगर दिया होता तो वो ले लेते हैं अब आ जाएगा नेट कंसिडरेशन उसको ले लिया सेवन फिफ्टी सर उसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेकिन साथ नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस नहीं करेंगे सर हम डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे डीम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर डीम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब हमने डिक्लेयर करके रखा है हमने मान के रखा है प्रिज्यूम करके रखा है कि ये कॉस्ट है और डीम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू जो हमने लिया था सैलरी के चैप्टर में टैक्स निकालने के लिए जो फेयर मार्केट वैल्यू हमने अडॉप्ट किया था तो ये फेयर मार्केट वैल्यू यहाँ पे लेंगे बताओ मेरी शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी जिस दिन मैंने शेयर्स लिए थे उस दिन में फाइव हंड्रेड फाइव तो यहाँ से ना फाइव हंड्रेड माइनस होगा सर फाइव हंड्रेड माइनस होगा सर वन हंड्रेड नहीं फाइव हंड्रेड यहाँ से माइनस होगा नोशनल कॉस्ट माइनस किया हमने तो कैपिटल गेन आ गया टू फिफ्टी कैपिटल गेन आ गया टू फिफ्टी अब देखो कैश फ्लो के साथ मैच हो रहा है क्या ंड्रेड हाँ, एक्सक्लूड हो गया हाँ फोर हंड्रेड हो, हो गया तो 650 ये तो कैपिटल गेन तो का एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया कैपिटल गेन में जाएंगे तो फिर से रिविजन कर लेंगे लेकिन मुझे बताना था कि ऐसा होता है इस ऑप में तो एक बात ये याद रख लो इस ऑप की ये बात भी इंपॉर्टेंट है ठीक है अब मैं अगर अगर मैं अप, अपना डिस्कशन यहीं पे कट करूँ ना तो मुझे खुशी नहीं मिलेगी ठीक है ना मुझे पता है कि इस ऑप में बहुत कुछ होता है अगर तुम्हारा एग्जाम अगले महीने होता ना नेक्स्ट मंथ में अगस्त में अगर आप लोगों का एग्जाम होता तो मैं इतना ही पढ़ा था आप लोगों को ठीक है लेकिन मुझे पता है ये इतने पे रुक के मतलब नहीं है इसके आगे भी मुझको जाना पड़ेगा अब उसके आगे ना फाइनल लेवल का मैं बता रहा हूँ आप लोगों को ठीक है ना फाइनल लेवल का बता रहा हूँ सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होता है कि फेयर मार्केट वैल्यू कैसे आएगा <laughs> क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट वैल्यू कौन सा है पूरा का पूरा टैक्सेबिलिटी का गेम किसके ऊपर है फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर है एम राइट right? अरे फेयर मार्केट वैल्यू अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन डायरेक्टली फाइनल लेवल पे जब ये क्वेश्चन आता है और फाइनल पे ईस आता है करके अलग से चैप्टर बना के हम पढ़ाते हैं फाइनल में तो इस का अगर क्वेश्चन फाइनल में आएगा तो फेयर मार्केट वैल्यू वो क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं देते दे गिव यू यू डेटा थ्रू मे एबल टू डिटरमाइन द फेयर मार्केट वैल्यू तो फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे सर तो ये फाइनल लेवल का डिस्कशन है आपको समझना है तो समझो नहीं समझना है तो अपना दिमाग ऑफ करके रख लो लेकिन मैं अपना बताने का काम करूंगा क्योंकि मुझे बता के खुशी मिलती है ठीक है तो यहाँ पे अभी दो सिचुएशन है सर एक तो है लिस्टेड कंपनी का और एक तो है अनलिस्टेड कंपनी का मुझे बताओ लिस्टेड कंपनी का फेयर मार्केट वैल्यू कहां से मिलेगा आपको से, आपको, से या आपको लिस्टेड कंपनी का फेयर मार्केट वैल्यू चाहिए तो कहां पे जाना पड़ेगा सर मार्केट में जाएंगे ना हम जैसे किसकी कौन सी किसी किसी लिस्टेड कंपनी का नाम बताओ रिलायंस कौन सा रिलायंस रिलायंस का रिलायंस में बहुत सारी है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज देखता हूं मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर प्राइस मार्केट चालू नहीं हुआ है अभी तक ठीक है दिख रहा है आपको रिलायंस का प्राइस टू जीरो सेवन सेवन पॉइंट वन फाइव तो बहुत बहुत ज्यादा मुझे वैल्यूएशन वगैरह करना पड़ा क्या नहीं नहीं मुझे खाली क्या करना था मार्केट में जाके चेक करना था शेयर मार्केट में इसका वैल्यू कितना है सर ठीक है ना तो शेयर मार्केट में जो वैल्यू है वो मेरा वो मेरा फुल वैल्यू और मार्केट अभी क्लोज है मार्केट अभी क्लोज है मतलब कल का प्राइस है कल 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 क्या क्या था कल क्या था अगस्त अगस्त का प्राइस दिखा रहा है आपको ठीक है ना अभी मार्केट नाइन थर्टी को खुलेगा तब ये मार्केट का प्राइस चेंज होना चालू हो जाएगा डांस करना चालू करेगा तो मैं आपको क्या पूछ रहा हूं अगर शेयर लिस्टेड होगा तो मेहनत तो करनी ही नहीं है लिस्टेड कंपनी का अगर शेयर मुझे निकालना है तो सर मुझे खाली जाके मार्केट में चेक करना है लेकिन ना यहाँ पे दो बातें हो सकती है एक्सरसाइज एक्सरसाइज डेट डेट इज इज इक्वल इक्वल टू टू ट्रेडिंग ट्रेडिंग डे डे और नॉन आपको पता है ना फ्राइडे सॉरी सैटरडे और संडे मार्केट क्लोज होता है सैटरडे संडे मार्केट क्लोज होता है तो आज तो सैटरडे संडे नहीं आज तो ट्यूजडे आज तो मार्केट ओपन होगा आज के तो मार्केट की प्राइस निकाल लूंगा मैं ठीक है ना लेकिन जिस दिन मार्केट क्लोज होता है अच्छा जिस दिन मार्केट चालू होता है उस दिन मुझे बताओ मार्केट का ओपनिंग प्राइस और मार्केट का क्लोजिंग प्राइस सेम नहीं होगा ना जैसे कल का मैं आपको प्राइस दिखाता हूं यहाँ पे कल का ओपनिंग प्राइस देखो क्या था कल का ओपनिंग प्राइस था टू जीरो एट वन और कल का क्लोजिंग प्राइस कितना था ओपनिंग दिखाते कल का क्लोजिंग प्राइस कितना है टू जीरो सेवन सेवन तो ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम नहीं था ना कल का और कल अगर आपने अगर लिए होते कंपनी के रिलायंस ने अगर आपको इस दिया होता तो कौन सा प्राइस लेता मैं या 20, लू? या उस मार्केट में हाई प्राइस भी था और लो प्राइस भी था तो कंफ्यूजन तो होगा ना कि कौन सा प्राइस लेना है मुझको तो गवर्नमेंट ने बोला सर अगर मार्केट अगर ओपन हुआ था आपका तो आप सिंपली बेसिस पे काम कर लो एवरेज ले लो एवरेज लोगे तो शायद दोनों का मिडवे निकल जाएगा ना कि मार्केट खुला क्या प्राइस पे था मार्केट क्लोज क्या प्राइस पे हुआ है राइट यस right? yes. तो एवरेज प्राइस निकाल लो एवरेज प्राइस कैसे निकालेंगे सर ओपन हुआ था टू जीरो एट वन कैलसी पे ले लो टू जीरो एट वन प्लस टू जीरो सेवन सेवन पॉइंट वन फाइव डिवाइड बाई टू कितना आता एवरेज प्राइस टू जीरो सेवन नाइन

अगर आपने संडे के दिन एक्सरसाइज किया है सैटरडे के दिन एक्सरसाइज किया है 15 अगस्त पे एक्सरसाइज किया है अगर आपने ऐसे किसी भयानक डे पे एक्सरसाइज किया है जिस दिन मार्केट ऑपरेट ही नहीं हुआ था तो ये मिलेगा ही नहीं ना ओपनिंग मिलेगा ना क्लोजिंग मिलेगा एम आई राइट लॉजिकली आप कौन से दिन का प्राइस लोगे फिर सोचो ना आप ही सोचो जो प्रीसीडिंग डे ओपन था तब बिल्कुल बिल्कुल तो हम लेंगे प्रेसिडिंग ट्रेडिंग डे का प्रेसिडिंग डे का नहीं बोल सकता मैं क्योंकि अगर संडे होगा तो प्रेसिडिंग डे तो सैटरडे आता है राइट और सैटरडे भी मार्केट खुला नहीं था तो मुझे लेना पड़ता all. है ट्रेडिंग डे पता चला कि फ्राइडे जो था वो फिफ्टीन ऑगस्ट था तो फ्राइडे भी मार्केट नहीं खुला था तो मुझे लेना पड़ता है प्रेसिडिंग ट्रेडिंग डे तो मैं थर्सडे पे जाऊंगा तो मुझे पीछे जाना है लेकिन मुझे बताओ मोस्ट रिलेवेंट प्राइस क्या होगा आप लोगों के लिए मोस्ट कनेक्टेड प्राइस जब हम फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे हमें ठीक है ना एफ एम वी लिया जाएगा प्रीसीडिंग ट्रेडिंग डे का तो कौन सा वैल्यू लू विच वैल्यू इज मोस्ट कनेक्टेड वैल्यू विथ योर टूडे क्लोजिंग वैल्यू क्लोजिंग वेरी गुड तो यहां पे क्लोजिंग प्राइस लेना पड़ता है हमें यहां पे हमें क्लोजिंग एवरेज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कल का क्लोजिंग आज से ज्यादा लिंक करता है अच्छा एक और प्रॉब्लम आ सकता है आप लोगों को शेयर मार्केट का नॉलेज है या नहीं है भगवान जाने आपको इतना तो पता होगा इंडिया के दो बड़े फेमस मार्केट है एन और बी इतना तो पता है अब कंफ्यूजन क्या क्रिएट होगा कि अच्छा कुछ कुछ शेयर जो है ना खाली एनएससी पे लिस्टेड है

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की दिख रही है ना एनए सी की प्राइस दिख रही है ठीक है ना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की प्राइस दिख रही है मैं मनी कंट्रोल ओपन करता हूं मनी कंट्रोल में क्लियरली दिखाता है मनी कंट्रोल में दिख रहा है आपको यहाँ पे एनएससी पे क्लिक करोगे तो ये प्राइस है ठीक हाँ. है ना उसके बाजू में बीएससी दिख रहा है करो बीएससी पे क्लिक बी एस सी पे मैंने क्लिक किया तो प्राइस थोड़ा अलग है दिख रहा है आपको ना टू जीरो सेवन सेवन पॉइंट टू फाइव है पॉइंट में फर्क है हाँ पॉइंट में कभी कभी एक दो रुपए में भी होता है यहाँ पे पॉइंट में फर्क है तो मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ मैं एनएससी का प्राइस लू या बीएससी का प्राइस लू क्योंकि प्राइस अलग है विच प्राइस आई शुड टेक ये ये सवाल आना चाहिए ना आपके मन में uh. Uh. तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिख रहा है वॉल्यूम हाँ uh. तो बी पे वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने ट्रेड यहाँ पे उस दिन हुए थे कल के दिन में कितने ट्रेड हुए तो यहाँ पे ट्रेड हुए टू लाख थर्टी सिक्स थाउजेंड जीरो थर्टी सेवन के ठीक है बीएससी में अब एनएससी का वॉल्यूम दिखाता हूं मैं आपको और एनएससी पे वॉल्यूम देखो कितना बड़ा है थर्टी फोर तो कौन सा मार्केट मेन मार्केट है आपके हिसाब से इस शेयर के लिए एनएससी तो क्यों तो हमने क्या करना होता है मैंने आपको क्या पढ़ाया कि अगर दोनों पे लिस्टेड होगा तो फॉलो दैट मार्केट विच इज विच हेज रिकॉर्डेड हाईएस्ट वॉल्यूम टाटा टाटा वॉल्यूम बोलो पूरा प्रैक्टिकली क्लियर है कि कैसे करना होता है मैंने आपको थे आपको दिखा है कि कैसे ढूंढा जाता है इज इट क्लियर अब इश्यू कैसा है ना अनलिस्टेड कंपनी अगर होगी ना तो मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो अब अनलिस्टेड कंपनी होगी तो भगवान भी उसकी प्राइस नहीं बता सकता ऐसे गूगल करके उसके लिए तो वैल्यूएशन करना पड़ेगा तो आई होप यू पीपल हैव डन का चैप्टर इन योर लाइफ। किया आप लोगों ने? नहीं किया। नहीं किया। किया। निकालते इतना तो पता है आपको नेट एसेट एसेट माइनस लायबिलिटीज करते हैं आ, minus, आ, तो नेट असेट मतलब अगर आप कर लेते हो ना डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स तो आपको नहीं लग रहा वैल्यू पर शेयर आ जाएगा ईपीएस आ निकाला जाता है के वैल्यू तो वैल्यूएशन करने के कुछ मेथड्स होते हैं वो मेथड्स जो होते हैं ना वो मर्चेंट बैंकर और इन्वेस्टमेंट बैंकर फॉलो करके वैल्यू के देते देर आर जिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर्स कैन वैल्यू यूर कंपनी एंड गिव यू दर्टिफिकेट तो आपको वैल्यूअर से वैल्यू कराना पड़ता है देर इज नो अदर वे तो यहां पर फेयर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू डिटरमाइन बाई मर्चेंट बैंकर और इन्वेस्टमेंट बैंकर में ऐसे लिख रहा हूं लेकिन मुझे बताओ एक बार वैल्यूएशन कराने का खर्चा मिनिमम एक लाख रुपया आता है पकड़ के चलो छोटी से छोटी कंपनी का पचास से साठ हजार आता है एवरेज कंपनी भी अगर आपकी रहती एलिट गुरुकुल की में खाली होल्डर है तीन डायरेक्टर्स है, है तो हमसे उन्होंने ना तो आप समझो कि यार जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जिसका वैल्यू दो करोड़ है पांच करोड़ है पचास करोड़ है तो उनसे कितना पैसा वो मांगेंगे तो वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और आपके एम्प्लॉइज ने आपकी एम्प्लॉइज ने अगर अलग अलग दिन पे एक्सरसाइज किया ऐसा होगा ना कि आपने अगर फाइव हंड्रेड एम्प्लॉज को इस दिया हुआ है, ऐसा तो नहीं होने वाला कि सबके सब, सब लोग एक ही दिन आके एक्सरसाइज करेंगे बरबर बर ना कोई मंडे पे एक्सरसाइज करेगा कोई ट्यूजडे पे एक्सरसाइज करेगा कभी कोई नेक्स्ट वीक में एक्सरसाइज क्योंकि एक पीरियड में दिया जाता है इस एक पांच छह महीने ओपन होता है वो हो। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ uh. अरे कोई अप्रैल में पैसे किसी के पास रहेंगे अप्रैल में एक्सरसाइज करेगा कोई मई मंथ में एक्सरसाइज करेगा कोई जून मंथ में एक्सरसाइज करेगा तो आप क्या हर महीने भाग भाग के जाके हर दिन भाग भाग के जाके नया नया वैल्यूएशन लेकर आओगे तो आपको परवड़ेगा क्या मैं ये पूछ रहा हूं कैन यू अफोर्ड वैल्यूएशन एवरी वीक एवरी मंथ एक एक दो दो लाख -दो दे दोगे आप वैल्यूएशन का खाली इन्वेस्टमेंट बैंकर को नहीं, नहीं।, नहीं। तो गवर्नमेंट को ये पता चला तो उन्होंने बोला सर ये वैल्यू तो ना होनी चाहिए ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज एक्सरसाइज डे का वैल्यू होना चाहिए और गवर्नमेंट ने बोला वैल्यूएशन सर्टिफिकेट थोड़ा पुराना भी होगा तभी भी चल जाएगा But not later than 180 days. A 180 days से पुराना नहीं चलेगा। मतलब मुझे बोलना क्या है? If you do the valuation, this certificate is valid for 180 days. तो 180 days में आपका और ऐसे भी private limited company में 180 days में ऐसा कुछ uh, uh, substantial value addition नहीं होता। Suddenly value jump up या fall down नहीं होता। Share market नहीं हो कि वहाँ पे value dance करे। Private limited company का value छह महीने तक तो कांस्टेंट रह सकता है ऐसा हमारा अजम्पशन है एम आई क्लियर विद दिस यस सर ठीक है yes. आगे चलता हूं मैं अभी मुझे बताना है एसॉप के बारे में ईशॉप बाय स्टार्टअप स्टार्टअप के ऊपर तो मुझे बहुत ज्यादा बात करनी है ठीक है ना आजकल आपने ये सुना तो होगा ना स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट इंडिया स्टार्टअप बहुत सारे लोगों ने अपना स्टार्टअप चालू कर दिया ने अपनी चालू कर दी इलेवन ईयर ओल्ड बॉयजेडीडार्टेड अंपनी ट्वेंटी टू इयर अ कंपनी एंड मेड करोड़ ऑफ रुपीज आउट ऑफ इट ऐसे सुनने मिलता है राइट ओयो इज फाउंडेड यंगस्टर्स ओला ओबर इज क्या यंगस्टर्स फ्लिपकार्ट इज स्टैब्लिश बाई लोग काम कर रहे हैं राम पाटिल इज ऑल्सो स्टार्टअप फाउंडर मैंने भी गुरुकुल चालू किया दैट इज अ स्टार्टअप तो सर हम लोगों को आज की तारीख में एक विजन मिल गया कि चलो अगर अपने को आगे जाना है तो हमें स्टार्टअप बनाना पड़ेगा स्टार्टअप दो फॉर्म में बनता है एक होता है कंपनी फॉर्म और एल एल फी फॉर्म आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एल एल फी फॉर्म आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनी फॉर्म कंपनी फॉर्म में जब स्टार्टअप बनता है और मुझे बताओ स्टार्टअप में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ही होता है जैसे मैं आप लोगों को इनकरेज करता हूँ अरे अरे काम करता है हम लोग मैं चिपड़ में आता हूँ आप लोगों को गाइडेंस देता हूँ आप लोग अपना स्टार्टअप लगा दो आप लोग भी अपने बिजनेस में आ जाओ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताओ ना क्या है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा आप लोग प्रैक्टिकली बात करो ना आप लोगों के पास आज मैं बता रहा हूं आज आप प्लीज स्टार्टअप चालू करो ना देश को आगे लेके जाने के लिए हमें बिजनेस चालू करना पड़ेगा बिजनेस चालू करो यार आप लोग सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है बोलो ना आज इस रिस्क फेयर नहीं नहीं फेयर वगैरह नहीं अपन लोग भाई बिंदा से अपन लोग आज सीएसीए में कर रहे भाई उसमें अभी क्या डरने का बिजनेस करने में इतनी बड़ी रिस्क तो तुमने ऑलरेडी लाइफ में ली है तो बिजनेस तो उससे छोटी रिस्क होती है इश्यू क्या है पता है हमारे पास अच्छी टीम नहीं है हमारे पास अच्छी टीम नहीं है और अच्छी टीम लाने का क्या नहीं है कैपिटल कैपिटल नहीं है पैसा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पैसा होता तो अगर आपके पास पांच पचास करोड़ अगर अभी अकाउंट में होते तो डू यू थिंक यू विल बी यूंग सीएसए में नहीं बताओ बताओ आपके अकाउंट में पांच पचास करोड़ अगर होता फाइव करोड़ से लेके फिफ्टी करोड़ के बीच में कोई भी अमाउंट तो डू यू थिंक यू वुड बी डूइंग सीएसए में नहीं दो। करते बोलो ना नहीं करते ना यार कि पढ़ना अभी पढ़ना थोड़ी ना क्या पांच करोड़ है सर पांच ऐसे नहीं कि हमने फाइव करोड़ के ऊपर फिक्स डिपोजिट बना दिया और इसका इंटरेस्ट खा के दारू पी के जिंदगी निकालेंगे सर बाबा अगर हमारे पास फाइव करोड़ है तो उस मनी को इन्वेस्ट करके वी विल रेज द बिजनेस और सर हम सी एस में लोगों को हायर कर लेंगे ना यार सीएसीए में एम बी ए इन सबको हायर किया जा सकता है ना पैसा तो देना है उनको सैलरी तो देना है दे देंगे सैलरी और हम अपना बिजनेस बिल्टअप करते प्रॉब्लम ऐसा है कि हमारे पास ना ही वो कैपिटल है ना ही वो टीम है लेकिन आप लोग आप लोगों ने एक छोटा सा स्टार्टअप चालू किया है ठीक है ना और आप लोग अभी सीए सी ए में नहीं हो अभी आप स्टूडेंट्स हो लेकिन आपने स्टार्टअप चालू किया एंड यू वॉन्ट गाइडेंस किसी से तो गाइडेंस चाहिए यार जिसने जिसने स्टार्टअप में काम किया है जिसको टैक्सेशन समझता है जिसको लॉ समझता है जिसको बिजनेस समझता है जिसने थोड़ी मेहनत कर ली है आपको दिख रहा है क्या ऐसा पर्सन मार्केट में <laughs> पाउडर लगा के आओ क्या अभी मैं अरे तुमको दिख रहा है क्या एक एक्सपीरियंस बंदा जिस जो शायद तुम्हारी कंपनी में काम करे एज अ डायरेक्टर शायद आप लोगों की कंपनी थोड़ी आगे लेके जाए ऐसा एक एक्सपीरियंस क्वालिफाइड बंदा दिख रहा है आपको भी आज की तारीख में अरे बोलो क्वालिफाइड एक्सपीरियंस हु अंडरस्टैंड द टैक्सेशन हु अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग हु अंडरस्टैंड द ऑडिट तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ऐसा एक बंदा हाँ, हाँ, दिख रहा है हाँ दिख रहा है ना तो आप बता रहे हो सर एक काम करो कि आप ना हमारी कंपनी को ज्वाइन करो ऐसे मुझे आप ऑफर कर रहे हो आप तीन चार लोगों ने मिलकर बिजनेस चालू किया है ठीक है ना और वो बिजनेस में आप बता रहे हो सर हम सबके सब मतलब यंगस्टर्स हैं हमने कभी बिजनेस किया नहीं है तो वी डोंट वांट टू मेक अ मिस्टेक तो वी वांट समबडी एक्सपीरियंस ऑन आर्ट आर बोर्ड तो आप भी हमारे यहाँ पे डायरेक्टरशिप ले लो तुमको क्या लगता है मैं फ्रीली अवेलेबल है क्या ऐसा डायरेक्टरशिप लेने के लिए किसी भी रैंडम कंपनी का मेरे पैसे होंगे ना कुछ ना कुछ देर प्राइस हाँ। तो मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं ज्यादा नहीं पांच लाख रुपया महीने का दे दो रिटर्नरशिप बेसिस पे मुझे मैं आपको गाइड कर दूंगा अब पांच लाख रुपया पर मंथ मतलब साल का आप लाख लोगे हमारे पास इतने पैसे नहीं है तुम्हें तुम्हारा आमदन की पेटी दे सकते पर हम ही पांच लाख नहीं दे सकते <laughs> ओके तो मैं बोलूंगा एक काम करते तो फिर कैसे इसको इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे मुझे आप लोगों के साथ काम तो करना है और आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपनी कंपनी का मुझको क्या दे दोगे गेस करो ना इतना बड़ा तो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ शेयर दे दोगे ना मुझे इस दोगे आप आप बोलोगे सर हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन आप हमारी कंपनी का थर्टी परसेंट स्टेक ले लो बरबर हाँ। एक लाख शेयर्स है हमारे सर टोटल हाँ। एक लाख शेयर्स है हम बाकी लोग एडजस्ट हो जाएंगे सेवेंटी थाउजेंड शेयर्स में आप एक काम करो थर्टी थाउजेंड शेयर्स आप रख लो कंपनी सब मिलके बड़ा करेंगे सब मिलके मेहनत करेंगे चार पांच साल के बाद कंपनी का अच्छा वैल्यूएशन होगा फिर हम कंपनी को लिस्ट आउट कर देंगे या किसी को बेच देंगे थोड़ा सा स्टेक उसमें से पैसे कमा लेंगे सर तो मैंने बोला हाँ यार आइडिया तो बहुत अच्छा है तो मैं आप लोगों को ज्वाइन हो जाता हूं अब ईश्यू यहाँ पे क्या आता है इश्यू यहाँ पे ये आता है कि कंपनी का वैल्यूएशन करा के लाना पड़ेगा आज के तारीख में जबकि आज वैल्यू कुछ भी नहीं है ना कंपनी का उसके अलावा जो भी वैल्यू आएगा बीस रुपया पचास रुपया पर शेयर जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू मेरे हाथ में मुझे बताओ ना फिफ्टी थाउजेंड इंटू फिफ्टी रुपीज का वैल्यू अगर आता है इंटू थर्टी में करता हूं तो थर्टी थाउजेंड इंटू फिफ्टी करूंगा तो इतना बड़ा अमाउंट मेरे हाथ में आज टैक्सेबल आ जाता है जबकि मैंने एक रुपया नहीं कमाया मतलब हम सब लोग मिलकर खून पसीने का मेहनत कर रहे हैं और गवर्नमेंट बोलता है नोशनल बेसिस पे टैक्स ले दो ये थोड़ा अनईजी अनइजी पोजिशन हो जाएगा ना मेरे लिए कि मैंने पैसे कमाए नहीं है मैं मेहनत कर रहा हूं और आपने नोशनल बेसिस पे मुझे टैक्स कर दिया ये बात समझ रहे हो तो गवर्नमेंट ने बोला फॉर स्टार्टअप हम क्या करेंगे टैक्स लाइबिलिटी पोस्टपोन करेंगे क्या करेंगे बोलो पोस्टपोन बोलो फॉर स्टार्टअप हाँ खाली ओनली फॉर स्टार्टअप हम टैक्स लाइबिलिटी पोस्टपोन करेंगे इवेंट डेट पे डाल देंगे कौन से डेट पे इवेंट डेट पे और इवेंट डेट तीन होती है एक तो एक्सपायरी ऑफ द सिक्स एक्सपायरी ऑफ द से 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 मतलब मतलब जिस साल आपने allotment लिया हुआ है exercise किया है किया उस year के गवर्नमेंट मतलब बोलता है month तक मैं आपको टैक्स नहीं लगाऊंगा आपको नहीं लग रहा तीन चार सा, साल में अगर हम लोग मेहनत कर लेंगे तो अपने स्टार्टअप को बड़ा करी लेंगे चार पैसे आप कमा लोगे चार पैसे मैं कमा लूंगा इससे नहीं लग रहा आप लोगों को चार साल का पीरियड बहुत बड़ा पीरियड होता है ना चार साल में अगर हम बिजनेस बड़ा नहीं कर पाएंगे तो हम सबको तो मतलब मर जाना चाहिए या तो लेके हिमालय ले जाना चाहिए ठीक है ना सेकेंड हाँ क्या करना है सर सेकेंड अगर मैंने मैंने समझो मंथ के पहले ही शेयर्स शेयर्स को बेच दिया ट्रांसफर ऑफ अब मैंने ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कर दिया फोर्टी एट मंथ होने तक वेट ही नहीं किया थर्टी मंथ में मैंने में शेयर्स को बेच दिया और मुझे अच्छा खासा पैसा कमाया आपको नहीं लग रहा गवर्नमेंट को भी मेरे से टैक्स ले लेना चाहिए क्योंकि मैंने तो पैसे कमा लिया अभी बोलो अरे मैंने अगर शेयर्स ट्रांसफर कर दिया तो मैंने एक्चुअली में पैसा कमा लिया ना ठीक है और तीसरा तीसरा मैंने दो साल के बाद आपकी कंपनी से रेजिग्नेशन कर दिया आपकी कंपनी सेटल होगी मेरी अभी आपकी कंपनी में कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि आप अभी हैंडल कर लोगे दो साल में आप सीख गए आप, आपका हो गया अभी मेरी मेरा टाइम आ गया कि मैं थोड़ा आगे चलो जाऊँ अपनी जिंदगी में आप ही की कंपनी में रहकर क्या करूंगा आपको मैंने ट्रैक पे लाया आपको छोड़ दिया नाउ यू यू आर एबल टू हैंडल एवरीथिंग छोड़ दिया तो so, गवर्नमेंट बोलता है तीनों में का लिया तो so, अगर मैंने समझो शेयर ट्रांसफर नहीं किए मैंने एम्प्लॉयमेंट छोड़ा नहीं है तो कम से कम मुझे फोर्टी एट मंथ का तो टाइम मिलता है ना यार टैक्स भरने के लिए अच्छा है ना स्टार्टअप के लिए ना? जल्दी जल्दी बोलो ठीक है तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन तो आपको दे दिया अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी एक्सप्लेनेशन का छोटा सा रिविजन लूंगा और एक क्वेश्चन आप लोगों के साथ सॉल्व करूंगा फाइव मिनट्स के बाद अपने को ज्वाइन करना है या एट थर्टी को ज्वाइन कर लो आप लोग मुझे अभी मेरे पास एक मिनट का टाइम बचा हुआ है उसमें अगर आपके कुछ डाउट होंगे तो प्लीज पूछो